आज हमारे साथ हैं दर्शोम से शिवम जी। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। और एक सर और भी हैं, इसका इनका भी परिचय थोड़ा कराएंगे सर। दोस्त है हमारा पार्टनर संजय भल्ला। मैं आपको जितनी भी वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये हम फ्लैट बना रहे हैं, ये वाला फ्लैट बना रहे हैं, ये 2 BHK ला रहा हूँ, 3 BHK ला रहा हूँ, तो ये हमारा भाई है, ये तो सारी बिल्डिंग बनाता है। इसका काम है सारी बिल्डिंग को बना करके कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर देने का। संजय भल्ला है हमारा पार्टनर। मैं संजय भल्ला हूँ, बनाते हैं, सारा टीम वर्क होता है, साथ में काम करते हैं। बाकी मेन सेल पर्चे मेरा भाई देखता है, बनाने का काम मैं देखता हूँ, इकट्ठे हम ऑफिस में वर्क करते हैं। बिल्कुल। तो सर आज हम जो आपके यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, मेरे लिए क्या होता है, देखिए लोगों का एक सपना होता है कि दिल्ली में अपना घर हो, ठीक है, और सपनों का आशियाना आप दिलाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हो, ठीक है। तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहेंगे सर आप? आज मैं एक 2 BHK का बहुत कम बजट के अंदर आपके लिए फ्लैट लाया हूं, और बहुत शानदार फ्लैट है। सैंपल फ्लैट तैयार है इसका पूरे सामान के साथ, कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारा सामान इसमें कैसे आएगा। ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें 3 फ्लैट हैं एक फ्लोर पे, और तीनों फ्रंट साइड के हैं। तो वेंटिलेशन वाला बहुत बढ़िया फ्लैट, बहुत शानदार, मेन रोड से 1 किलोमीटर की दूरी में, बहुत नॉमिनल बजट के अंदर। 90% लोन करवा दूंगा इसका मैं आपको, और ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपका ये पहला फ्लैट है तो इसमें आपको सब्सिडी भी दिलवा दूंगा। बिल्कुल। और जो लोकेशन होगा सर क्या होगा? ये जैन कॉलोनी में है मेरा आज का फ्लैट, नियर बाय उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। जैन कॉलोनी के नाम से एरिया है, ये एल टाइप की बिल्डिंग है। आपका फ्लैट एल टाइप नहीं है, बट आपका फ्लैट फ्रंट साइड पे है, तीनों फ्लैट फ्रंट साइड पे इसके। बिल्कुल। तो आज मैं आपको जो है 2 BHK, 3 BHK और साथ ही साथ 1 BHK जो अपना कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी दिखाएंगे। आज एक ट्विस्ट है कि लोगों के लिए 1 BHK बैक साइड का होता है, मैं आपको एक एल टाइप का 1 BHK देने वाला हूँ। मतलब उसके रूम इतने बड़े हैं, आपको 3 BHK में जितने बड़े मिलते हैं उतने बड़े 1 BHK में, और बहुत नॉमिनल बजट के अंदर देने वाला हूँ। बिल्कुल। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा सर एक चीज और पूछ लूंगा मैं, आपके यहाँ कोई अगर आना चाहता है आपका ऑफिस एड्रेस क्या होगा वो बता देंगे? बहुत आसान एड्रेस है मेरा, आपको सिर्फ उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे आना है। वैसे तो वीडियो में हमारे नंबर आ रहे हैं आपके पास, आप हमें फोन कर देंगे तो हम आपको लड़का भेज के पिक कर लेंगे, नहीं तो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे ही बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसी गली में अंदर आना है, और 100 मीटर अंदर राइट साइड को दर्शोम के नाम से ऑफिस है। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा भी नहीं मिल रहा तो 691 मेट्रो बिल्डर नंबर है, उसके सामने वाली गली में आना है। बिल्कुल। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं अपनी जो फ्लैट है, जो रेडी है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके आ गया हूँ अपने फाइनल प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए, और अब मैं आपको दिखाने वाला कुछ रेडी फ्लैट्स। तो सबसे पहले सर बताइए, जो आज हम फ्लैट दिखा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, वो क्या क्या दिखाएंगे? ये मैं आपको एक 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ। ये एक फ्लोर पे 3 फ्लैट है, 2 2 BHK हैं, 1 3 BHK है। ये एल टाइप की बिल्डिंग है, तो वेंटिलेशन और हर चीज फ्रंट पे है इसके तीनों फ्लैटों में। तो मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ इसकी अपने फ्लैट से। सबसे पहले तो एंट्री की बात करें तो एंट्री आप देख सकते हैं, मतलब ये जो मेन गेट है, मेन एक तरह से डोर की बात करें तो ये अपना पूरा 7 फीट के आसपास का पूरा, 7, ठीक है ना, 7 फीट एकदम रेडी आपको मिलेगा। सनमाइका है गेट के ऊपर, फ्रंट बैक दोनों साइड सनमाइका है। बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है। इसकी ना एक खास बात आना चाहूंगा मैं इसको आपको, बिल्कुल एंट्री में। बिल्कुल जी, हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि वो सबसे पहले हमारे ड्राइंग रूम में अप्रोच करे, आए बैठे हमारे पास। अगर वो कोई हमारा बहुत ज्यादा खास है तो उसको हम बेडरूम तक लेके जाएंगे, नहीं तो वो हमारे ड्राइंग रूम में ही आएगा, यहाँ बैठेगा और यहीं से चला जाएगा। तो इस रूम की, घर की खासियत है कि ये एंट्री में ही ड्राइंग रूम है, कोई सीधा आएगा तो आपके ड्राइंग रूम में आएगा, अगर रिश्तेदार है बहुत कोई खास है तो आप उसको अपने बेडरूम तक लेके जाएंगे, नहीं तो वो यहीं से वापस चला जाएगा। बिल्कुल। तो आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी किसी की फ्लैट में। ड्राइंग रूम में हमने सोफा लगा के 2 BHK में आप लोगों को दिखाया है कि अगर सोफा लगाते हैं आप 7 सीटर या 5 सीटर, बीच में टेबल के बाद भी स्पेस बचता है, आप आ जा सकते हैं। 3D वॉलपेपर लगाया हुआ है हमने इसके ऊपर, 3D वॉलपेपर के साथ अगर मैं फोर सीलिंग की बात करूं तो पूरी हैवी फोर सीलिंग है। देखो हमने लाइटों का कॉम्बिनेशन जो इसमें दिया है, 2 लाइटें हमने झूमर वाली, बाकी इंडियन लाइट बीच में लगाई है, तो जो ड्राइंग रूम की शोभा और बढ़ा रही है। रोशनी आप देख सकते हैं कि पूरी हॉल के अंदर प्रॉपर है, पूरी है। फैन देख लीजिए इसके अंदर, फैन भी कितने आजकल मॉडलर फैन आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से काम किया जा रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं, मतलब सबसे बड़ी बात है आपको स्पेस की बात करें तो स्पेस आप एक बार समझ लो कि ये जो अपना ड्राइंग रूम है कितना बड़ा है। एक अपना एल शेप का सोफा लगने के बाद भी इतना स्पेस है कि इजिली 10x12 का ड्राइंग रूम हो। बिल्कुल, कोई भी पार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा स्पेस है। और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर सोफा की बात करें, साथ ही साथ आप यहाँ देखें स्विचेस वगैरह पूरा ब्रांडेड स्विचेस होगा इसमें भी, प्रॉपर अपनी वारंटी। हाँ, इंटरकॉम लगा हुआ है इसके अंदर। मेरा बार बार यही कहता हूँ कि नीचे कोई आया तो आपको जाकर के
नीचे नहीं देखना है, यहीं से बात करके गेट खोलना है, और वो भी सिर्फ एक बटन दबा करके। बिल्कुल जी, ठीक है, सारा फंक्शन आपने यहाँ से देख लिया। लाइटिंग की बात करें, ट्यूबलाइट यहाँ लगा हुआ है, साथ ही साथ ये आप झूमर लाइट्स देख सकते हैं, प्रॉपर बड़ी अच्छी शोभा सी, मतलब अच्छा लग रहा है। एक चीज और, ड्राइंग रूम में शाफ्ट भी है, तो आपको यहाँ पे भी वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब पूरा वेंटिलेटेड फ्लोर है ये भी। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात है, कोई भी घर जो होता है रसोई से शुरू होता है, रसोई से तो हमारा मतलब मेन मोटो होता है हम कि अपने जो फ्लैट दिखाते हैं सबसे पहले हम रसोई दिखाते हैं, तो रसोई दिखाते हैं भैया। और इसकी रसोई की बात करूंगा तो स्पेशियस है 2 BHK के हिसाब से, आपने अभी तक जितनी वीडियो देखी है मेरी 2 BHK के हिसाब से की बात करूंगा। और कॉम्बिनेशन देखो आप इसमें हमारे काम का, कि ऊपर नीचे सनमाइका लगाने के बाद हमने एक लाइट का भी वो दिया इसके अंदर की इसकी शोभा बढ़ाए। टाइल्स है पीछे पूरी, लोगों का बार बार यही रहता है कि पीछे की दीवार हमारी काली हो जाती है, तो पूरी टाइल्स है, मिरर लगा के दे रहे हैं कि ये भी जगह आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ऊपर नीचे पूरे बॉक्सेस है, बिल्कुल शानदार काम है एकदम। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, चिमनी प्रॉपर एकदम सेट करके आप दोगे। हाँ, चिमनी लगी हुई है, सब सब आप कोई भी फ्लैट लोगे मेरे से तो उसमें आपको चिमनी मिलेगी, बॉक्सेस पूरे ऊपर नीचे हैं, चिमनी की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये आरओ का कनेक्शन है, वीवली प्लाई काटते नहीं है, इसमें हमने काट दिया कि आप अपना आरओ लगा सकते हैं, नीचे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये अपना यहाँ से अपना मतलब प्रॉपर सिंक का ये होगा। हाँ जी, और इसी से आप आरओ फिटिंग कर सकते हैं, आरओ फिटिंग कर देंगे। बिल्कुल, ये नीचे पूरा इसका पाइपलाइन निकली हुई है, अभी हमने इसमें टूटियां फिटिंग्स नहीं दी हैं, वो लास्ट में इसमें फिट करके देंगे, फाइनल पोजीशन पे दो, फाइनल पोजीशन में देंगे, तो अभी कंपनी की फिटिंग। स्विचेस का बात करें, स्विचेस यहाँ भी होंगी, यहाँ आप फ्रीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे की और बात करें, यहाँ भी आपको स्विचेस वगैरह मिल जाएगा, यहाँ भी स्विचेस मिल जाएगा, मतलब जितने भी स्पेस आपके घर में जो मतलब माइक्रोवेन इसके अलावा और चीजें जो यूज करने की है, काफी सारे आपके स्विचेस हैं। हाँ, ये इसमें सिलेंडर की जगह है, यहाँ पे अपना सिलेंडर रख सकते हैं, देख लो ऊपर छेद हुआ है, इसी के नीचे आएगा, यहाँ पे गैस आएगी और ऊपर इसके चिमनी है। अच्छा, ये देख सकते हैं एकदम ग्रेनाइट पत्थर होगा। हाँ, ग्रेनाइट पत्थर, बिल्कुल शाइन कर रहा है पूरा, प्रॉपर ये मॉडलिंग वगैरह जो कहते हैं वो पूरा करा दिया गया है, प्रॉपर एकदम परफेक्ट है ये, परफेक्ट, ठीक है। बिल्कुल, और अब बात करें भैया, अब हम दिखा रहे हैं 2 BHK फ्लैट, तो इसमें 2 कमरा होगा, 2 बेडरूम होगा, 2 बेडरूम। तो सबसे पहले ये बेडरूम है, पहले वाला ये एंट्री के साथ वाला बेडरूम दिखाना चाहूंगा सबसे पहले। बिल्कुल जी, इसमें हमने बेड लगा दिए हैं, ये देखिए, ठीक है, ये 10x10 का बेडरूम होगा। बेड आने के बाद भी यहाँ पे जगह बची है, वहां पे जगह बची है। हाँ, इस साइड अगर हम थोड़ा और इधर खिसका देंगे तो थोड़ी जगह उधर और हो जाएगी, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको फिट करना चाहते हैं। शाफ्ट इस रूम में भी है, बिल्कुल, वेंटिलेशन के लिए। फिर पीछे वॉलपेपर का काम है बढ़िया, फ्लोर सीलिंग है ऊपर, इंडियन लाइट से सारी, ट्यूब लाइट, पंखे, झूमर, ये सब हम आपको लगा करके दे रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ भी अलग से लाने की जरूरत। और जैसे कि हम बात करें, ये अपना जो बेड होगा भैया स्टैंडर्ड साइज है, 6 फीट से, तो ये 6x6 का बेड है, 6x6 क्या मतलब रेडी है, साथ ही जो मतलब 6 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। हाँ, ज्यादा बड़ा, ये मुझे बड़ा लग रहा है, बिल्कुल, बट है 6x6 का, तो प्रॉपर स्पेस है। और आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी बनवा सकते हैं, नया ला सकते हैं, वही इसका भी 7 फीट पे दरवाजा है, सनमाइका है दोनों साइड, कंपनी के डोर लॉक लगा रखे हैं हमने इसके ऊपर, देख सकते हैं, मतलब ये सब फिटिंग आप प्रॉपर कंपनी की होगी, इसकी पूरी एकदम गारंटी है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें, ये देख सकते हैं स्विचेस की बात करें, ये सब अपना प्रॉपर सब कंपनी के पुणे के स्विचेस हैं ये सारे, बिल्कुल सब पे गारंटी होगा ना, हमारे केदर भी स्विचेस है, मतलब स्विचेस की बात करें स्विचेस पूरी है, पूरे। आपको ऐसा नहीं है कि पता चले कि आपने ले तो लिया, पता ही नहीं चल रहा कि आपको कहां से कनेक्शन लेना, कैसे लेना, सपोज आपको लैपटॉप चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, कहां से करना है, मेन एमसीबी है, अगर आप एसी लगाते तो उसके लिए देखो स्विच नहीं है, एमसीबी है। अच्छा, ये जो अपना एसी का होगा इसमें शाफ्ट है, तो यहाँ पे आपका विंडो एसी आराम से आ जाएगा, विंडो एसी के लिए बड़ी शाफ्ट है ये, यहाँ आप विंडो एसी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट बेडरूम था, और ये देख सकते हैं इसमें वॉलपेपर या टेक्सचर है, ये वॉलपेपर है, वॉलपेपर है ये, बढ़िया वॉलपेपर है ये, बिल्कुल देख सकते हैं, मतलब ये फीलिंग ऐसे दे रहा है टेक्सचर टाइप का। मैं सेकंड बेडरूम में दिखाऊंगा, उससे पहले ये जब एंटर करते हैं तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम है इसके। अच्छा, ये कॉमन वॉशरूम है, वही ऊपर तक पूरी टाइल्स है इसके अंदर, कंपनी की फिटिंग्स है। ओके, देख सकते हैं, अभी कुछ फिटिंग्स इसमें बाकी है, टूटियां लगनी बाकी है, क्योंकि अभी हमने एक सैंपल फ्लैट तैयार किया आप लोगों को दिखाने के लिए, कि आपको समझ आ सके आपका सामान किस तरह से इसमें आ पाएगा। बिल्कुल जी, ठीक है सर, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड बेडरूम की, देख सकते हैं ये सेकेंड बेडरूम है अपना,
हाँ जी, आ जाइए। ये उससे ज्यादा स्पेसियस लगा, ये उससे थोड़ा, ये अपना मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, अटैच वॉशरूम के साथ है ये। ओके। और इसमें बालकनी भी है, मैं बालकनी आपको दिखाता हूँ, पहले पूरा रूम दिखा लूं, देख सकते हैं आप फिर इसमें 3D वॉलपेपर और कितना शानदार वॉलपेपर है इसमें, बिल्कुल देख सकते हैं, ये देखिए काफी बेटर, साथ ही साथ अपनी ये फॉल सीलिंग देख सकते हैं ना सर। हाँ, हर हमारा फोर सीलिंग का तो जो है ना हर रूम में है, हर जगह पे है, बिल्कुल जी, जो मतलब आपके घर की लुक को चेंज कर देती है, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ इस कमरे के अंदर में आपको स्विचेस की कोई कमी नहीं होने वाली है, पहले मैंने बता दिया। और ये देखिए अपना इसमें अटैच वॉशरूम है, देखिए फिर इसमें आप पूरी ऊपर तक टाइल्स है, फिटिंग्स इसमें भी नहीं है, वो आपको एट द टाइम ऑफ पोजेशन हम आपको पूरी फिटिंग्स देंगे इसकी। ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अपने पास जो टाइल्स यूज हुई है ये कौन सी टाइल्स है? ये वेरीफाइड टाइल्स है हमारी, ठीक है, मतलब आप इस पे हल्का सा भी कपड़ा मारेंगे तो ये साफ हो जाएगी, आपको कुछ घिसना नहीं पड़ेगा इसमें, बिल्कुल, मतलब बेस्ट क्वालिटी की टाइल्स, बेस्ट क्वालिटी, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ अब इसमें बालकनी दिखाते हैं, बालकनी दिखाते हैं, इसकी बालकनी बहुत स्पेशियस। अच्छा सर, एक चीज क्वेश्चन होगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर इस कमरे में हम एसी यूज करना चाहें तो ये री विंडो। अच्छा, एक वेंटिलेशन के लिए सर आपके पास एसी लगाने की जगह है, अब उसमें एक मैंने विंडो दी है तो आप ऊपर तो एसी और नीचे कूलर लगा सकते हो, मैं जो कहता हूँ ना कि हर कोई एसी नहीं लगाता, बिल्कुल जी, तो वो जगह प्रॉपर है। और इसमें ना हमने दो शाफ्ट दिए हैं, एक ड्राइंग रूम में है, एक बेडरूम में है, नहीं तो लोग एक शाफ्ट देके सारे पाइप निकाल लेते हैं, बिल्कुल, हमने हर फ्लैट के अंदर दो शाफ्ट हैं कि आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो। और इसकी बालकनी आपको मैं दिखाऊंगा ना, तो इतनी बड़ी बालकनी है इसकी आपको किसी फ्लैट में नहीं अभी तक मिली होगी, बिल्कुल ये देख सकते हैं। अब हम आपको बालकनी दिखा रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है ये देखिए, अब प्रॉपर मतलब यहाँ भी आपको टाइल्स पूरा लगा हुआ है। लेने के बाद ना आपको इसको सफेदी करवाने का बार बार वो नहीं है, एक बार हमारे से घर लीजिए 10 साल तक भूल जाएगी सफेदी, फ्रंट की बात कर रहा हूँ, अंदर से तो आप जितनी बार मर्जी करवाइए वो आपके अकॉर्डिंग है, इस बिल्डिंग के फ्रंट की बात कर रहा हूँ कि आज लेंगे तो 10 साल बाद भी ऐसा, 20 साल बाद भी ऐसा मिलेगा, बिल्कुल टाइल्स का एक मतलब। और सबसे बड़ी बात है अपनी ब्रांडेड टाइल्स यूज, ब्रांडेड, और ये देखो इतना बड़ा स्पेस है कि सेमी वॉशिंग मशीन रखो, फुली ऑटोमेटिक रखो, बड़ी रखो, छोटी रखो, यहीं पे अपने कपड़े धो और यहीं पे सुखाओ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये आप देख सकते हैं सामने एकदम खुला सा है ना, 25 फुट चौड़ी रोड है ये, देखिए 25 फुट चौड़ी, ये देख सकते हैं पूरी सड़क देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना स्पेस है, काफी बड़ा स्पेस है, यहाँ आप देख सकते हैं अपना वॉशिंग मशीन यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कपड़े सुखाने के लिए जो प्रॉपर होगा वो सारा कुछ यहाँ आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ कमरे की बात करें, काफी ज्यादा हवादार कमरा है, काफी ज्यादा रोशनी आ रही है, ठीक है। और ये अपने जो फेस दिखाया फ्रंट फेस में होगा ये इसमें क्या है ना, इसमें तीनों फ्लैट फ्रंट फेसिंग आ रहे हैं, बिल्डिंग का फ्रंट बहुत अच्छा था, बिल्कुल ये एल टाइप की बिल्डिंग है, बिल्कुल। और ये मैं आपको मिडिल का फ्लैट दिखा रहा हूँ, मैं एक बार आपको बीच के और इधर के भी 3 BHK के फ्लैट भी एक बार हल्के से भी दिखा दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा कि कैसा काम है। ये मिडिल का 2 BHK है, बहुत कम प्राइस में है, ये लोकेशन जो है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर अंदर है, आप लोगों के बजट में है, बहुत कम बजट के अंदर बहुत अच्छी चीज है ये आपके लिए। मैं इसका रेट बता देता हूं आपको, मात्र 21.5 लाख रुपए में आपके लिए फ्रंट साइड का 2 BHK, 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 2 वॉशरूम के साथ है, रजिस्ट्री और लोन अवेलेबल है इसके ऊपर, आप जल्दी आए और मेरे से ले सकते हैं अपना फ्लैट। और इसमें अभी यूनिट्स अवेलेबल है तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आइए और अपना फ्लैट बुक कीजिए, बिल्कुल। जो लोन की बात करें सर, कहां तक लोन आप करा देते हैं हमारे? डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, मैं सबको बार बार कहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, बैंक तो लोन दे देगा मेरे फ्लैट के ऊपर, मतलब अगर आप मेरे से 21.5 लाख का फ्लैट लेंगे तो मैं आपका 20 लाख का लोन करवा दूंगा, बट ये डिपेंड करेगा आप करते क्या है, आपकी सैलरी क्या है, अगर आप ITR भर रहे हैं तो वो कितने की भर रहे हैं, तो आप मुझे फोन कीजिए इसके लिए, मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा और मैं अपनी प्रॉपर्टी पे आपको 20 लाख तक का लोन भी करवा दूंगा, बिल्कुल। तो दोस्तों ये फ्लैट थी अपने 2 BHK की, साथ ही साथ इनके पास आपको 1 BHK, 3 BHK, मतलब और साथ ही साथ और क्या क्या प्रोजेक्ट हो जाता है सर? मैं ना आपको यहाँ पे अपने इनकमिंग 2 प्रोजेक्ट अभी और दिखा रहा हूँ जो प्रोसेस में चल रहे हैं, ये तो एक सैंपल फ्लैट तैयार है, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लोगों का कंसर्न होता है ना, मैंने 2 BHK 50 गज में तो ले लिया, ये 50 गज का फ्लैट है तो हमारा सामान कैसे आएगा, तो एक वीडियो हमने दिखाई थी सारे सामान के साथ, ये दूसरी वीडियो भी है, इसमें हम हर चीज लगा करके आपको बता रहे हैं कि आपका सामान कैसे आएगा, आपने कैसे रहना है, कैसे शिफ्ट करना है, तो आप सब देखिए। इसके बाद मैं आपको एक एल टाइप का 1 BHK पास में ही दिखा रहा हूँ, 1 BHK में एल टाइप नहीं मिलेगा आपको कहीं पे, मैं आपको एल टाइप का 1 BHK दूंगा और बहुत कम रेटों पे। उसके साथ ही आगे एक 1 BHK और 2 BHK का प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरी चीज, 1 BHK में लिफ्ट नहीं मिलेगी, मैं आपको लिफ्ट वाला भी 1 BHK दिखाऊंगा,
कंफ्यूज मत होइएगा, एल टाइप वाला अलग है, लिफ्ट वाला अलग है, दोनों चौड़ी गलियों में है, ज्यादातर 1 BHK के बैक साइड के होते हैं, दोनों फ्रंट साइड के। जैसे मैंने आपको बताया था ना एक फ्लोर पे 3 फ्लैट है, तो ये दूसरा 2 BHK, एक तो मैंने आपको दिखा दिया, ये मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं कि इसका कितना शानदार काम है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा हमारे काम का। ये देख सकते हैं, मतलब ये अपना ड्राइंग रूम है। हाँ, ये इसका सोफा देख सकते हैं, इतना बड़ा सोफा लगा हुआ है, स्पेस देख सकते हैं, दोनों, भी इतना है। दोनों 2 BHK की खासियत है संदीप कि दोनों फ्रंट में इनके ड्राइंग रूम है, कोई भी आएगा तो आपके बेडरूम से होते हुए आपके ड्राइंग रूम में नहीं जाएगा, ये पहले ड्राइंग रूम में आएगा फिर आगे बेडरूम में जाएगा। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं 3D वॉलपेपर और 4 सीलिंग का काम इसके अंदर भी कितना शानदार है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं। साथ ही साथ आप किचन की बात करें, किचन सेम वही किचन का है, देखिए इसमें ना अभी एक ही फ्लैट बचा है संदीप, बाकी सोल्ड हो गए इस साइड वाले। बिल्कुल जी, तो वो सारा क्या था, काम के ऊपर डिपेंड था कि जैसे फ्लैट की लुक निकली है तो लोगों ने बुक कर ली है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं अभी अपने लोगों को सब्सक्राइबर को यही कहना चाहूंगा कि आप भी जल्दी आके ले लीजिए, कहीं ये ना हो आप आए कहें दो और ये फ्लैट मेरे पास होना। तो इस साइड में सिर्फ 2nd फ्लोर बचा हुआ है, बाकी सोल्ड है सारे, बीच वाले यूनिट में 4 फ्लैट है अभी। अच्छा ठीक है, तो आप आगे ले सकते हैं, देख सकते हैं ये भी आप, ठीक है। हाँ, ये साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप कमरा, ये 2 BHK का फ्लैट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए 2 BHK का ये भी, और इसका जैसे स्पेस की बात करें, प्रॉपर स्पेस तो आपको मैं पहले ही दिखा दिया था। हाँ, इसकी बालकनी आप एक बार और दिखा देना कि ये देख ले, तीनों रूम इसके, मतलब तीनों फ्लैट जो हमारे फ्रंट पे ही है। बिल्कुल जी, कोई इसमें बैक साइड का नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको 2 BHK तो दिखा दी, और मैंने कहा था कि 1 फ्लोर पे 3 फ्लैट है, 2 BHK और 1 3 BHK। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, 1 3 BHK की झलक दिखाऊंगा आपको कि आप हमारा काम देखिए और किस लेवल का काम है आपको पता चलेगा इससे। तो इसके भी एंट्रेंस में ड्राइंग रूम ही है, और आप काम देखिए यहाँ पे हमारा। इसकी किचन थोड़ी बड़ी है, ड्राइंग रूम थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये जगह 75 गज की है। और आप हमारा काम देखिए कि 3D वॉलपेपर, ये बीच में मिरर का जो कॉम्बिनेशन दिया हमने, इससे ड्राइंग रूम की लुक चेंज हो रही है। और सोफा देख लीजिए, सोफा आने के बाद ये 2 पफी हैं कि जो आप रख सकते हैं, और उसके बाद भी कितना स्पेस बच रहा है। अगर बात करें इसमें बेडरूम की, तो अपना 3 बेडरूम मिल जाएगा आपको। ये देखिए पहला बेडरूम आपको ये पूरा हवादार, दूसरा ये है साथ ही साथ। तो दोस्तों ना इसमें एक छोटी बालकनी है, ये एल टाइप वाली है, छोटा सा एल बन रहा है, मतलब आपको बेडरूम में ना वेंटिलेशन के लिए देखो विंडो तो दी है, साथ में बालकनी भी आ गई है। 2 बालकनी है इस फ्लैट में, ये तो छोटी वाली है, मैं आपको दूसरी भी दिखाऊंगा, ये मास्टर बेडरूम है। वॉशरूम में देखो फिर पूरी ऊपर तक टाइल्स है, सारी फिटिंग्स है। ये इसका मेन वॉशरूम है जो आपके ड्राइंग रूम के साथ अटैच्ड है, अगर कोई गेस्ट आता है तो वो ये वॉशरूम यूज कर सकता है। तो दोस्तों हम इसके पार्किंग एरिया में है, एल टाइप का फ्लैट होने के कारण ना ये पार्किंग 2 साइड से है, मतलब मैं ये गेट दिखाना चाहूंगा, देखो एक गेट तो वो है, ये एक गेट है, तो 2 बड़े बड़े गेट हैं, ये 1 साइड के हैं, ये एक गेट है दूसरी साइड से, मतलब आप अपनी गाड़ी चाहे तो वहां से भी ला सकते हैं, गाड़ी चाहे तो यहाँ से भी ला सकते हैं, गाड़ी और बाइक, मतलब अगर आप बाइक पार्किंग लेंगे तो आपको बाइक पार्किंग मिलेगी। आप गाड़ी पार्किंग के लिए आपको मैंने पहली वीडियो में भी कहा था 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो आपको कार पार्किंग भी मिल जाएगी, अवेलेबल है इसमें, तो आप गाड़ी पार्किंग भी ले सकते हैं। और आपकी गाड़ी बड़े आराम से, देख लीजिए कितनी बड़ी पार्किंग है, स्पेशियस पार्किंग है, आराम से गाड़ी कहीं से भी इधर से लाके इधर से निकाल लो, यहाँ से लाके यहाँ से निकाल लो, तो कोई बाउंडेशन नहीं है आपको इसमें, कहीं से भी लाके कहीं पे भी गाड़ी अपनी आराम से मूव करके निकाल सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको कहा था ना कि मेरे पास एक एल टाइप का शानदार 1 BHK है जिसकी बालकनी बड़ी है, तो मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है मेरी, अभी बाहर से एक बार लुक दिखा रहा हूँ आपकी। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं इसका 3 महीने में आपको पोजेशन दे दूंगा। बिल्कुल, ये देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए एक रियल बिल्डर की बात करें तो जब आप बात करें ये खुद की कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं कि कैसे वर्क होता है, कैसे काम होता है, किस तरह के मटेरियल यूज करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर भी किया। तो दोस्तों अब मैं आपको अपना 1 BHK दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल, और 1 BHK में ना ड्राइंग रूम जो है आप देख के हैरान हो जाओगे कि 3 BHK तो नहीं है कि, बट 3 BHK नहीं है, 1 BHK है। इसका ड्राइंग रूम देखो 10x15 का ड्राइंग रूम है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा 1 BHK में। दूसरी बात, आप जितने भी 1 BHK लोगे वो सारे बैक साइड के होंगे, ये 1 BHK एल टाइप का फ्रंट साइड का है, बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर, बहुत ही बढ़िया काम। आप मेरा देख चुके हो कि हमारे काम का क्या स्टैंडर्ड है, उसी काम के साथ ये 1 BHK, इतना बड़ा ड्राइंग रूम आपको 3 BHK में मिलता है जो मैं आपको 1 BHK में दे रहा हूँ। 4 सीलिंग की डिजाइन इसके अंदर भी है, वही सारे काम जो मैं सबको मॉड्यूलर किचन देता हूँ, बिजली के मीटर, पानी के मीटर, वो इसमें भी है, रजिस्ट्री इस पे भी है, लोन भी है इस पे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे पास आना है, 1-2 लाख रुपए का इंतजाम करना है और अपना फ्लैट बुक करवाना है।
ये है इसका बेडरूम, ड्राइंग रूम के बाद हम बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पे ना कोई लाइट नहीं है इस टाइम पे, और आप इसकी रोशनी देख सकते हैं कि कैसी रोशनी है, और फोर सीलिंग देख सकते हैं इसके अंदर भी हैवी वाली फोर सीलिंग है। देखिए हम कैसा बेस बना रहे हैं फोर सीलिंग का, पूरा घुमा करके पूरे रूम को कवर किया हमने फोर सीलिंग के अंदर। और यहाँ पे आप अपना कूलर लगाना चाहे तो कूलर लगा सकते हैं, विंडो एसी लगाना चाहे तो विंडो एसी लगा सकते हैं। ये वॉशरूम है इसका, बड़ा वॉशरूम है, अभी थोड़ा सामान है तो। और इसकी बालकनी जो सबसे शॉकिंग है ना आप लोगों के लिए, बड़ी बालकनी, इसकी इतनी बड़ी बालकनी हम आपको 1 BHK में दे रहे हैं।